परम आदरणीय बिहार विधानसभा के अध्यक्ष श्री विजय कुमार चौधरी जी का आप हार्दिक अभिनंदन करते हैं युवा प्रकोष्ठ की ओर से। आपने बहुत कम समय में हमारे बीच आने का जो हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, निश्चित रूप से आपकी महानता इससे दिखाई पड़ती है। जब भी आपसे मिलने का मौका मिला है, जब भी आपके यहाँ जाने का मौका मिला है, हमने बड़ा नज़दीक से कई बार सौभाग्य प्राप्त किया है आपके पास बैठने का। मुझे लगा कि एक ऐसा राजनेता, एक ऐसा कुशल व्यक्तित्व, एक ऐसा मुस्कुराता चेहरा जो स्वतः कितने लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। निश्चित रूप से आपकी ये महानता, आपकी ये तेजस्विता, आज आप जिस मुकाम पर हैं, हमें पूर्ण विश्वास है ये बिहार का सौभाग्य है कि आपके जैसा व्यक्ति निश्चित रूप से जिस पद की गरिमा पर आप बैठे हैं, ये हम सब को लिए सौभाग्य की बात है। हम आपका फिर से बारंबार हार्दिक हृदय से अभिनंदन करते हैं। हमारे दूसरे अभिभावक के रूप में, गार्जियन के रूप में, बिहार के चर्चित पुलिस पदाधिकारी, देश में जिनका अपना एक नाम है, एक पहचान है, व्यक्तित्व कभी भूतपूर्व नहीं होता है। व्यक्ति पद से हट जाता है लेकिन उसका व्यक्तित्व हमेशा बना रहता है। ऐसे श्रद्धेय आदरणीय हमारे बीच बैठे आदरणीय श्री डीएन गौतम साहब का हम युवा प्रकोष्ठ की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप एक ऐसा शख्सियत, एक ऐसा व्यक्तित्व, आप सब जानते हैं कि जब भी आपसे मिलने का मौका मिलता है, सीखने को मिलता है, सीखने को मिलता है। जब आप बिहार के डीजीपी थे, उस समय भी आपके यहाँ जाने का मौका मिलता था। मुझे कई बार आश्चर्य होता था कि डीजीपी जो एक बड़ा महत्वपूर्ण पद है, और इतनी सामान्य रूप में कैसे कोई रह सकता है। बड़ा हम लोग रास्ते में जब निकलते थे, बातचीत करते थे, सर से बातचीत करके निकलते थे, तो लगता था कोई घर के व्यक्ति से मिलकर निकल रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप हमारे बीच आए हैं, आपका भी हम हृदय से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच हमारा सौभाग्य है कि अभी पटना में जो हमारे गायत्री शक्तिपीठ के पूरे बिहार के जोनल कार्यालय के रूप में है, इसके प्रभारी के रूप में हमारे डॉक्टर अशोक बाबू, जो कभी रीजनल डायरेक्टर हुआ करते थे, आज हमारे बीच हैं। आपका भी हम हृदय से स्वागत करते हैं। हमारे बीच हमारे अभिभावक के रूप में हमेशा हमारा मार्गदर्शन करने वाले, प्रेरणा देने वाले परम आदरणीय श्री कामता प्रसाद शर्मा, भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षक, हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज सबसे अधिक हार्दिक अभिनंदन मैं आप तमाम उन शिक्षकों का करता हूँ जिनको हम लोगों ने बुलाया है, और आप, हम जानते हैं कि आपका कीमती समय, आपका एक एक मिनट का समय, आपका व्यस्तम समय, आप उसमें से निकाल के हमारे बीच आए हैं। निश्चित रूप से मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे इस कार्यक्रम में। मैं जान रहा हूँ कि आप लोगों के पास समय बड़ा कम होता है, टाइम कम होता है, हम इस चीज़ को समझ रहे थे, लेकिन फिर भी आप आए हैं। निश्चित रूप से आप सब इस परमात्मा के यहाँ, इस जिस शक्तिपीठ पर आप बैठे हैं, आज जो पर्व मनाया जा रहा है, विश्वकर्मा पूजा, बड़ा अच्छा दिन है। विश्वकर्मा जो निर्माण करने का काम करते हैं, और हमारे शिक्षक भी निर्माण करने का काम करते हैं, तो ऐसा दिन ये कार्यक्रम रखा गया है। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं आप उस विश्वकर्मा के समान हैं जो आप आज युवाओं को जो एक बनाने का काम कर रहे हैं, मेक करने का काम कर रहे हैं, ये सामान्य बात नहीं है। आप सबका बारम्बार अभिनंदन है इस यहाँ बैठने। कई बार जब आपको निमंत्रण गया होगा, पहली बार आप आए हैं, कहाँ चलना है, कहाँ जाना है, गायत्री मंदिर, मंदिर के नाम से एक जो आइडिया बनता है लोगों का, मनोभाव बनता है लोगों का, अच्छे मंदिर में जाना है, क्या करना होगा वहाँ, कुछ पूजा वूजा होगा, ऐसे कंसेप्ट बनते हैं। लेकिन ये इस मंदिर का उद्देश्य दूसरा है। यहाँ मात्र पूजा पाठ नहीं होता, पूजा पाठ तो हमारा एक सिंबल है। हम एक ऐसे मंदिर में बैठे हैं जिसके ऋषि श्रीराम शर्मा आचार्य, गायत्री परिवार के संस्थापक, जिन्होंने कहा, बेटे मैं एक ऐसा मंदिर बनाना चाहता हूँ जहाँ व्यक्तित्व का निर्माण हो, व्यक्ति का निर्माण हो, जिससे समाज का भला हो, समाज का विकास हो। और ये हमने देखा है इस गायत्री मंदिर से। आज हमने युवाओं को आने से रोक दिया कि हमारे बीच आज युवा नहीं आएंगे, क्योंकि आज हमारे बीच सिर्फ शिक्षक रहेंगे।
हमारे यहाँ जो संडे का कार्यक्रम चलता है, रविवार का कार्यक्रम, ये तीन फ्लोर जो बना है, प्रोजेक्टर लगा है, तीनों फ्लोर सुबह और शाम हाउसफुल चलता है। इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है कि उस भीड़ को, और जो लड़के यहाँ आते हैं वो कहते हैं कि जब मुझे कहा गया था कि गायत्री मंदिर जाना है तो हमने कहा हम तो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, हमें मंदिर पूजा पाठ से क्या मतलब है। हमने कहा ठीक कहते हैं भाई, भटकते भी तो आप ही हैं, आपके जीवन में ही भटकाव आता है। एक ऐसा केंद्र होना चाहिए जहां से हम अपनी रास्ता को ठीक कर सकें, हम अपने भटकाव को ठीक कर सकें। यही काम गायत्री शक्तिपीठ का युवा प्रकोष्ठ करता है। आज हजारों नौजवानों के जीवन में परिवर्तन आया है, उनका भटकाव रुका है। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे बेटा तुम्हें एक ऐसा लाइट हाउस बनना चाहिए जो समुद्र में अगर जहाज कभी भटक जाता है तो उस लाइट की रोशनी को देख के अपना रास्ता ठीक कर लेता है। मंदिर का मतलब ये होना चाहिए और आज गायत्री मंदिर ये कार्य को कर रहा है। आप सब जहाँ बैठे हैं ये सामान्य जगह नहीं है, एक ऐसे जगह पर बैठे हैं जहाँ व्यक्तित्व निर्माण की बात है। और आप सब जो कार्य कर रहे हैं, आप सामान्य प्रतिभाशाली नहीं हैं। मैं सब लोगों को जानता हूँ, लगभग लोगों को जानता हूँ आप, और थोड़ा सा अगर आपका सहयोग हम लोगों को मिल जाए। शिक्षक हैं राष्ट्र निर्माता। हमें याद है जब बचपन में हम लोग प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, उस समय जो शिक्षक होते थे, जो गुरु होते थे, उनके प्रति जो एक भाव होता था, आप लोगों को भी अनुभव रहा होगा, उनके प्रति जो एक इमोशंस होता था, एक भावनाएं बहती थी। हम चाहते हैं आज भी हमारे शिक्षकों के प्रति, हमारे गुरुओं के प्रति फिर से वही भाव पैदा हो, वही चीज़ पैदा हो और लोग उसी सम्मान के साथ शिक्षक को देख सकें। सिर्फ ये ना कहें नहीं साहब हम तो उनके यहाँ से कुछ कहीं प्रवेश करने के लिए कुछ पढ़ लिख रहे हैं। ये सम्मान हमारे शिक्षकों को मिलना चाहिए जो आपका अधिकार बनता है। निश्चित रूप से इसमें हम युवाओं का, हमारे भाइयों का महत्वपूर्ण भूमिका होगा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मैं 93-96 इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया पटना कॉलेज पटना से। जब गांव से मैं चला था, पटना यूनिवर्सिटी में आया, इंटर में एडमिशन लिया। मेरे मन में कोई कल्पना नहीं था कि जब मैं गायत्री परिवार से जुड़ा तो मैं भी यही सोच के जुड़ा कि यहाँ कुछ पूजा पाठ की बातें बताई जाएंगी। लेकिन जब मैं गुरुदेव के विचारों को सुना समझा, मुझे लगा नहीं, ये तो व्यक्तित्व निर्माण की बात, और आज व्यक्तित्व की इतनी आवश्यकता है। 95 में युवा मंडल का गठन किया गया। आज आप जैसा कि सुन रहे थे, 147,000 लड़के इस युवा मंडल के सदस्य बन चुके हैं। पूरे देश में विभिन्न पद पर इस युवा मंडल के लड़के, ऐसे ऐसे लड़के जिनका मन टूटता है, उनका भीतर से कई तरह की परेशानी होती है, यहाँ आने के बाद वो रिलैक्स अनुभव करते हैं और वो अनुभव करते हैं कि पढ़ाई में हमारा मन पहले से ज़्यादा लग रहा है जब मैं गायत्री मंदिर जाता हूँ। गायत्री मंदिर आने वाले लड़कों का पढ़ाई का कैपेसिटी बढ़ जाता है, उनका मन ज़्यादा पढ़ने में लगने लगता है, और हम लोगों ने यही काम किया है। यही लड़के, हमारे युवा आज हजारों की संख्या में उन बच्चों को पढ़ाने का काम किया जो बच्चे रोड पर रिक्शा चलाने में, ठेला चलाने वाले के बच्चे, जैसा कि भी आप सुन रहे थे, 30 जगह लगभग 8,000 से 10,000 गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम हमारे ये भाई लोग करते हैं। कोई एनजीओ नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। लोग कहते हैं साहब फ्री में पढ़ाते हो, युवा होके फ्री में समय देते हो। अगर भीतर वाले को मैं दावे के साथ कहता हूँ जगा दिया जाए, हर आदमी के अंदर एक भीतर होता है तो वही वो सब काम कर दिखता है जो चमत्कार कहलाता है। आज इन भाइयों के बल पर 30 जगह बाल संस्कारशाला गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम चल रहा है। और मंदिर का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम वहाँ जाएँ, कुछ लड्डू, कुछ पूजा, कुछ पाठ कीर्तन भजन करके चले आएँ, जहाँ से हमें कुछ सीख मिले, हमें जीवन जीने की कला सीखने का चाहिए। आज जो सुनाई पड़ता है, दिखाई पड़ता है, क्या साहब ये तो एम्स में चले गए, 4 मंजिल से कूद गए, ये IAS थे गोली मार लिया, ये IPS थे ये कर लिया, ये इतने डिप्रेशन में हैं, इतने तनाव में हैं, इतने फ्रस्ट्रेशन में हैं। निश्चित रूप से हमारा जो विज्ञान था, भारत का जो विज्ञान था, वो लोगों को अंदर से अच्छा बनाने का विज्ञान था, ये टेक्नोलॉजी था, ये विज्ञान था। आज उस विज्ञान की पुनः आवश्यकता है और इसमें शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सर आप लोग पढ़ाते हैं, रीजनिंग पढ़ाते हैं, निश्चित रूप से आपके बनाए हुए, मैं जानता हूँ हजारों हजार लोग आज विभिन्न पदों पर हैं, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा अगर व्यक्ति निर्माण पर भी जोर दे दिया जाए उन युवाओं,
हेलो हेलो, तो मैं कह रहा था कि आप सबका सहयोग, शिक्षक है राष्ट्र निर्माता, निश्चित रूप से आप निर्माण करने वाले हैं। अभी पिछले दिनों हमारे बीच बिहार प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आए थे, और आपको आश्चर्य होगा कि उन्होंने भी बड़ा कम समय में, शुक्रवार की रात में हम लोग मिले, और उन्होंने कहा मैं रविवार को आपके बीच आ रहा हूँ। उस समय सिर्फ युवा का कार्यक्रम था पूरा। उन्होंने कहा मैं गायत्री मंदिर को दूसरे रूप में समझता था, उन्होंने जो अपना बयान दिया कि मैं दूसरे रूप में समझता था, लेकिन आज आने के बाद मेरे समझ में आया कि नहीं, ये तो समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण का कार्य रियल में कर रहा है। और हम लोग, उन्होंने कहा सर आपने जो नशा पर कार्यक्रम किया है, गायत्री परिवार आपका दिल से इसमें समर्थन करता है और आपके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए इसके लिए तैयार है। और आज बिहार के विभिन्न जिले में इस अभियान को, जहां सर आप जैसे कहें, हजारों नौजवान हम आपके साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। नशा का जो हुआ शिकार उजरा उसका घर परिवार, ये निश्चित रूप से जो काम आज हुआ है इसका परिणाम बाद में दिखेगा। हो सकता है तत्काल उस पैमाने पर नहीं दिख रहा हो, लेकिन आज दिख रहा है। एक रिक्शा वाला भी प्रसन्न हो के अपने बच्चे को पैसा बचा के आगे पढ़ाएगा, उसका कैरियर बढ़िया बनेगा, उसका भविष्य बढ़िया बनेगा, समाज बढ़िया बनेगा। निश्चित रूप से ये काम दूरगामी है, कहने वाले कुछ भी कहते रहें, लेकिन ये काम बिहार में हुआ है, निश्चित रूप से अद्भुत हुआ है। और बिहार हमेशा अच्छाई का नेतृत्व किया है, जब जब बिहार की ये विशेषता रही। रामायण काल में तारकाबद्ध से भगवान राम ने यही बक्सर में शुरू किया आंदोलन, दूसरा आंदोलन भगवान कृष्ण ने किया जरासंध बद्ध से इसी बिहार से, तीसरा आंदोलन भगवान बुद्ध ने इसी गया से किया, गांधी ने चंपारण से किया, और आपको जानकारी संपूर्ण आंदोलन जयप्रकाश नारायण जी का इसी बिहार की धरती से हुआ। ये सामान्य जगह नहीं है, ये अद्भुत जगह है, ये प्रतिभाशालियों की जगह है, ये क्रांतिकारियों की जगह है। इसलिए निश्चित रूप से बिहार का भविष्य उज्ज्वल है। और अगर कहीं से कुछ दिखता है, दीपक बुझने के पहले उसका लौ तेज हो जाता है, आदमी के मरने के पहले सांस की धड़कनें तेज हो जाती है। आने वाला समय में पूर्ण विश्वास के साथ आपको कह रहा हूं, इस बिहार की ताकत पूरे देश में गूंजेगी और पूरा देश बिहार का जयकार करेगा। आज भले बिहार और बिहारी के नाम से लोगों का मुंह बंद हो रहा हो, लेकिन आने वाला समय हमारे बिहार का है। और इस बात को किसी ने सही कहा, यह बिहार सोया हुआ शेर है, जिस दिन बिहार जगा उस दिन हिंदुस्तान की दिशा और दशा दोनों बदल देगा, इतनी ताकत है इस बिहार में। ये सामान्य भूमि के लोग हम नहीं, आप सब निश्चित रूप से बड़े प्रतिभाशाली, निश्चित रूप से आपकी क्षमता को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, एक एक शिक्षक को मैं जान रहा हूँ कि ये कितना कठिन मेहनत करते हैं। सुबह 7 बजे से लेकर रात के 7 बजे 8 बजे तक आप एक पैर पर खड़े होते हैं, कितना मेहनत करते हैं आप लोग, कितना बोलते हैं, और तब जाके हमारे बिहार का गुणगान देश और दुनिया में होता है कि सबसे अधिक IAS कहाँ के हैं तो बिहार के हैं, सबसे अधिक IPS कहाँ के हैं तो बिहार के हैं। इसका बल कहाँ से मिलता है, तो सब श्रेय आप जैसे महान शिक्षकों को जाता है। निश्चित रूप से आप महान हो और आपकी महानता को मैं सलाम करता हूँ। विशेष मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, बार बार मैं आपका नमन वंदन करता हूँ कि आप मेरे बीच आए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगल कामना, धन्यवाद।